नेम में उसको आकाश आकाश यही करेंगे। एक पानी हाँ 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 हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ उर्मिला जोशी और उर्मिला जोशी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सुबह हो गई और सुबह मतलब मेरी ऐसा 6:30 ऐसी कुछ हो रही है टाइम, और डॉन ये पहले घूम के आ गया था, ये अपने पापा के साथ घूम के आ जाता है ये। तो जोशी जी जो है पूरा दरवाजा वगैरह सब खोल देते हैं, तो मैंने कह रहा था मैं थोड़ा लेट भी उठती हूँ तो आप दरवाजा वगैरह खोल दिया करो, क्योंकि डॉन तो 5 बजे जाता है घूमने के लिए। तो हम बाहर का लोहे का दरवाज़ा खोल देते हैं, बस उसके बाद मैं मुँह हाथ धो रही थी तो ये भी मुँह हाथ धोने के लिए आ जाता है। तो इसको भी आदत बन गई है, शुरू से आदत पड़ गई है इसको मुंह धोने की। तो जैसे हम लोग मुंह धोते हैं तो ये भी मुंह धोने आ जाता है मेरे साथ में, और उसके बाद मैं इसका मुंह धुला के फिर इसके कपड़ा यहाँ पे मैंने साफ़ करने के लिए रखा हुआ, उसके बाद इसका मुंह साफ़ कर दिया है। तो इसको आदत पड़ चुकी है हमारे साथ ऐसे ही। तो बस उसके बाद मैंने भी मुँह हाथ धो लिया है, और इसने देखो कितना सारा मतलब सारा, इसको कोई अखबार या कोई पेपर या कोई पन्नी कुछ भी मिल जाए सब फाड़ फूड़ के ऐसे फेंक देता है ये। तो बस उसके बाद मैं बाहर देख रही हूँ, क्योंकि वो जो बाहर आवारा वैसे डॉगी होते हैं जो वो भी आ जाते हैं। तो बस मैं ऐसे बोल रही हूँ कि क्यों फाड़ा है ये, देखो पूरा मतलब घर का ऐसे कर देता है ना ये, सुबह उठ के देखो तो पूरा कबाड़ कबाड़ हुआ रहता है इसको, पता नहीं क्या हो गया, हर चीज़ को मतलब फाड़ने की लगी रहती है इसको। चप्पलें हम बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि हमारे घर में चप्पल ही नहीं रह गई हैं, सारी चप्पलें इसने काट के रख दी हैं सब, मतलब एक चप्पल को ही पहनते हैं हम लोग, एक चप्पल को ही पहनते हैं हम। ये बहुत ही शैतान है हमारे घर में, बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया इसलिए हमको। बस उसके बाद उठी हूँ और सीधा अपना गर्म करने के लिए पानी रख दिया है, और उसके बाद मुझे ठंडा लग गया था तो मैं स्वेटर पहन के आ गई हूँ। तो अभी थोड़ा थोड़ा उत्तराखंड में थोड़ा ठंडा हो ही रहा है सुबह से, हम का दोपहर में तो ठीक हो रहा है मौसम। बस उसके बाद अपने लिए पानी निकाल देती हूँ और अपनी सास के लिए बनाती हूँ खाली एक गिलास मतलब चाय, एक कप चाय। बस उसके बाद पानी पीती हूँ, बैठ के पानी पी रही हूँ। तो इसको ये गुड मॉर्निंग करवाती हूँ इससे थोड़ा मैं, तो जैसे जैसे हम सिखाते हैं तो वैसे सीख जाता है, वैसे ऐसा नहीं है। तो मैं कह रही थी कि गुड मॉर्निंग कर दे सबको, तो ये गुड मॉर्निंग जैसे इसको बोले इसकी मुंडी नीचे हो जाती है, अब वैसे इतना सैदाना ना पूछो मत। तो गुड मॉर्निंग कर रहा है ये बैठ के। बस उसके बाद देखो कितना कबाड़ खाना फैला रखा है इसने, पूरी पन्नी फाड़ फाड़ के, मतलब रात को सब सही करके भी सोते हैं फिर भी देखो क्या हालत कर देते हैं ये लोग। ये कूड़ा किसने करा ये कूड़ा, बस ने पन्नी को उसने वो फाड़ के रख दिया ये। उसके बाद मैंने इसको भी दिया खाना, तो दूध दे दिया, एक आध रोटी दे देती हूँ, कभी खाली दूध भी दे देती हूँ। तो मैं इसको दे दिया है बिना नाश्ते के, ये भी इसको भी चाहिए सुबह सुबह, इसको भी सुबह सुबह ठंडा दूध दे देती हूँ मैं। तो ये दूध दूध पी रहा है थोड़ा सा। बस के बाद कूड़े वाला आ ही गया था हमारा, तो कूड़ा लेके मैं बाहर आ गई हूँ, तो कूड़ा बाहर रख दूँगी। और अच्छे अभी झाड़ू भी नहीं लगाया था मैंने बाहर, तो बस अब कूड़े वाला आने वाला है उसको कूड़ा वूड़ा दे दूँगी, फिर झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी। सास के लिए चाय बना देती, थोड़ी देर सास के लिए चाय दे दूंगी मैं उनको, अब उसके बाद अपना सारे काम धाम कर लूंगी।
उसके बाद का एक झाड़ू पोछा तो हो गया, एक बार का तो हो गया थोड़ा, अभी दूसरा दोबारा पलक करेगी तो इस घर में तो मतलब कितनी बार भी झाड़ू पोछा कर लो पूरा ये गंदा ही कर देता है ये लड़का। तो पलक अभी सो ही रही है और उसके ताऊजी भी सो रहे हैं, तो मैं उठ के फटाफट से मैंने पहले यही काम कर दिया है, बाकी ये लोग अभी सो ही रहे हैं। ए, 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 उसको आकाश आकाश यही करेंगे आप सारे काम बैठ के, उसको दिखाई नहीं रही। मम्मी का थंबनेल मिल गया, वो देखो वो चलाएगा उठाने उसको। दे दे मैं कह रही हूँ ऐसे परेशान मत करेगा, दो दिन रहने दे उसे जरा, सारा बदतमीज हो रहा है ये ज्यादा ही, दे दे उसको दूसरा लगा। सूरज और डॉन जो है पलक को बहुत ही परेशान कर देते हैं लोग कि उड़ जा करके। बस जो है सूरज जो है बनाना शेक पी रहा है, आकाश चाय पी रहा है और पलक अभी चाय पिएगी जब उठेगी। ऊंट बनिया ऊंट, गंदे काम करता है इसको है? चल अब निकालना ठीक है, पक्का पक्का प्रॉमिस हो गया हमारा, अभी गंदे काम नहीं करेगा, आज के बाद गंदे काम करेगा इसी से मारूंगी बहुत ज्यादा। बस के बाद इस शैतान को डांटा मैंने, क्योंकि कोई भी सी भी गद्दी सोफे वगैरह हर चीज़ फाड़ फाड़ के इसने रख दी, हमने सब कुछ छुपा रखी है, कुछ ऐसी बर्बाद कर दी इसने। बस के बाद फिर मैं नहाने के लिए गई, इसको डांट वांट लगाई खूब सारी, फिर नहाना धोना करके फिर मैंने कहा चलो पूजा वूजा करती हूँ, तो आधा टाइम तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है मेरा। पूजा करने के लिए चलो नहाना धोना हो गया, पूजा करने जा रही हूँ तो ये भी पीछे पीछे मेरे साथ चल दिया है, ये देखो पहले भागता है आगे को ताकि वहाँ अंदर जा सके भैया और के साथ में, उसके बाद देखो फिर निकल के आ गया। और ये है मंदिर, तो मंदिर आप लोगों ने काफ़ी बार मेरा देख ही रखा है मेरे ब्लॉग में, तो कैसा लगता है आपको मंदिर बताना। तो आज ये पूजा का जो है बैठने वाला जो आसन होता है वो धो रखा है, तो दूसरा आसन लिया है ये, तो ये भी मैंने अपने हाथों से बनाया है, करोशे से बनाया है ये, और जो दूसरा वाला पहले वाला है वो मैंने सिलाइयों से बना रखा है। बस ये है मेरा छोटा सा मंदिर, तो उसके बाद दिया वगैरह जला के आरती करके, और पूरा रेड कलर का मंदिर है मेरा। बस पूजा करके फिर फटाफट पहले किचन में घुसी, फटाफट से दाल वाल सब्जी वब्जी जो भी है वो गर्म करूँगी, तो सब्जी आज हमारी रात की बची हुई थी तो फटाफट सबसे पहले डॉन के लिए बनाई, फिर सबके लिए नाश्ता बनाया, तो पलक आकाश में नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद था हमारे यहाँ आज फूलदेही था त्यौहार का, तो फूलदेही बनाई जाती है यहाँ पे, तो फूलदेही में छोटे छोटे कन्याएँ जो आती हैं और पूरे घर में चावल और फूल छिड़कती हैं, तो ये आ गई है फूलदेवी वाली, फूलदेही करने के लिए कन्या छोटी सी, और आज इसमें देते हैं मतलब ये चावल वगैरह और मीठा कुछ दक्षिणा फल फ्रूट
तो बस इसी तरह ये पूरे घर में हमारे चावल और फूल छिड़केगी। तो ये फूल देगी, त्यौहार मनाया जाता है उत्तराखंड में, तो ये कर रही है देखो सब जगह फूल वगैरह छिड़क रही है। तो हम भी फिर इसको चावल वगैरह कुछ मीठा दक्षिणा फ्रूट जो भी हो जाएंगे सब देते हैं। तो बस मैं फटाफट में कपड़े धो रही थी, तो मैं भाग भाग के फटाफट नीचे आई हूँ, छत में कपड़े धो रही थी मैं। तो ये फूल देई छम्मा जेई बोलते हैं, तो वो था त्यौहार। तो मैं फटाफट इसको दे रही हूँ मैं भी अपना दक्षिणा और फूल देई का ये त्यौहार। हम लोग इस तरह से ही मनाते हैं और इसे अच्छे से मनाते हैं। फिर रात को थोड़ा पकवान पकते हैं जो पका सकते हैं, मतलब जैसा हलवा वगैरह खीर वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। बस मिठाई है ना, बस पाव भी नहीं छूते क्या? चलो हो गया, तो लगा फूल यहाँ पे थोड़ा सा बोल ना। और बस फिर कन्या चली गई थी, फिर मैं उसके बाद छत में आ गई हूँ। तो जो मेरे कपड़े रह रखे थे मैंने वो सुखाने के लिए डाल रही थी। तो डॉन को देखो पानी टपक रहा है, तो कैसे पानी पी रहा है, जैसे इसको कभी पानी मिलता ही नहीं है। ये देखो किस तरह से कर रहा था ये। तो मैं छत में आई हूँ, सारे कपड़े उपड़े सुखाए, बस उसके बाद खाना वाना बना के फिर हम खाना खा रहे हैं। तो खाना दाल चावल और रायता है, और मेरे लिए बड़ी की सब्जी बची थी रात की, तो मैं बड़ी की सब्जी भी खा रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाओ खाना खाने के लिए। दाल में टमाटर तो देखो, ये खाना किसका है आपको? ये स्पेशल दाल है हमारी, स्पेशल दाल बनती है थी। और रायता बना हुआ है, दही है और ये रायता है। और अरे बस भाई प्लेट दिख गई, दिखा दे नहीं नहीं आज आपसे पहले ना आ चुकी हूँ। हाँ गाइस कमेंट में बताना नहीं है नहीं, नहीं है ये, लग रही है नहीं लग रही है आपको? कौन बताएगा। खाना वगैरह खा के फिर शाम के टाइम में मैंने बीज भिगा रखे थे, कल रात को भिगा दिए थे। तो ये खीरे के और लौकी का बीज है, तो ये गर्मियों में जो लौकी होएगी मेरी वो बोया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे खीरे और लौकी के बीज बो दिए हैं, तो ये मेरे नीचे ज़मीन में है और ऊपर से सीधे छत में चली जाती है बेलिए। तो बस मैंने बो दिया है, मैंने कहा उसके बाद टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, तो मैंने ये मिट्टी में लगा दिए हैं। तो देखो अब की बार कैसी लौकी होती है। पिछली बार तो मेरी तोरी भी थी और बहुत अच्छी तोरियाँ हुई थी, बहुत ही ज़्यादा हुई थी, और उससे पहले मेरी लौकी भी थी गोल तोरियाँ। तो चलो यहीं पे करूँगी अपना ब्लॉग एंड। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और लौकी खाने के लिए आ जाना गर्मियों के टाइम में, तो काफ़ी अच्छी लौकियाँ लगती हैं मेरी। तो चलो यहीं पे करते हैं ब्लॉग एंड, और जो नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना माय चैनल। तो तब तक के लिए करते हैं, बाय बाय।